उमर और उमर का नाम याद होगा आपको। ये वही हैं जो मॉब लिंचिंग के शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे थे। पिता की मौत के गम और उससे उपजी नफरत को भुलाकर इन दोनों के बच्चे कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। हाल ही में ऐसे तीन परिवारों के 6 बच्चों ने खेल कूद में स्टेट मेडल हासिल किए हैं। ये होनहार अब नेशनल लेवल पर मेडल जीतने के लिए जी जान की मेहनत लगा रहे हैं। उनकी इस कोशिश में उनका हाथ थामने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और चाचा नेहरू मदरसे का मैनेजमेंट। अलीगढ़ में रहकर ये बच्चे नेशनल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी अलीगढ़ में चाचा नेहरू के नाम से एक मदरसा संचालित करती हैं। इस मदरसे में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल मोहम्मद राशिद ने बताया कि मदरसे में दीनी पढ़ाई के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। यहाँ रकबर के 3 और हरियाणा में मारे गए उमर के बेटे सरफराज सहित 6 बच्चे हैं। न्यूज़ डेस्क।